आखिर क्यों किसी मुद्दे पर तीनों खान्स रहते हैं चुप? सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान क्यों किसी मुद्दे पर नहीं रखते अपनी राय? आखिर इन खान्स को अपने दिल की बात कहने में किस बात से लगता है डर? जाहिर है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मुद्दे सामने आए हैं जिन पर बॉलीवुड स्टार्स अपनी राय खुलकर सामने रखते हैं, जैसे कि CAA का मुद्दा हो, सुशांत सिंह राजपूत का मैटर हो, किसान आंदोलन हो या अफगानिस्तान तालिबान की लड़ाई। किसी भी मुद्दे पर इन दिनों खान्स ने हमेशा खामोशी बनाए रखी। आखिर इसकी वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में बॉलीवुड के वेटरन एक्टर नसरुद्दीन शाह ने इस पर अपनी राय दी। दरअसल नसरुद्दीन शाह भारतीय मुसलमानों पर दिए गए अपने बयानों को लेकर काफी लाइमलाइट में हैं। इसी दौरान उन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान सलमान, शाहरुख और आमिर को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों किसी मुद्दे पर ये तीनों खान्स चुप रहते हैं। नसरुद्दीन शाह ने बॉलीवुड के खान्स पर निशाना साधते हुए कहा, दरअसल ये लोग इतने बड़े कलाकार हैं कि देश के जरूरी मुद्दों पर नहीं बोलते। ऐसा इसलिए क्योंकि उन लोगों के पास खोने के लिए काफी कुछ है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे को दिए इस इंटरव्यू में नसरुद्दीन शाह ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी कहने वाला कौन होता हूँ, लेकिन अपनी उपलब्धियों और प्रयासों पर अधिक विश्वास होना चाहिए जो उनके पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक या दो इंडोर्समेंट का नुकसान होगा? ऐसा नहीं है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि वो उनके लिए बोल नहीं सकते, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि उनका कितना उत्पीड़न किया जाएगा। नसरुद्दीन शाह ने अपने बयान में आगे कहा, खान इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनके साथ किस तरह का अत्याचार होगा। उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। फिल्म उद्योग में स्वतंत्र रहने की शक्ति है और काश उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त साहस होता, लेकिन वो हार मान रहे हैं क्योंकि उनके हित बहुत बड़े और बहुत विविध हैं और उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है और वो आसान लक्ष्य हैं। आपको बता दें कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले एक्टर नसरुद्दीन शाह का एक वीडियो रिसेंटली सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इस वीडियो में उन्होंने तालिबान की जीत पर जश्न मना रहे हिंदुस्तानी मुसलमानों को क्रिटिसाइज किया था। इस क्लिप में नसीर ने कहा था कि वो एक हिंदुस्तानी मुस्लिम है और हिंदुस्तानी इस्लाम दुनिया भर के इस्लाम से अलग खुद ना करे कि ऐसा वक्त आए कि हम उसे पहचान भी ना सके। इस वीडियो क्लिप में नसीर कहते हैं, हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र की बात है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में सुधार और मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों का वहशीपन। आपको बता दें कि नसरुद्दीन शाह के इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें जहां सपोर्ट किया था, तो वहीं कुछ लोगों ने जमकर उन्हें क्रिटिसाइज किया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।